नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर के आता हूं। तो आज है आप लोगों का 19 अगस्त और आज का जो है मैं एक्सपीरियंस वीडियो लेकर के आया हूं, 31 नंबर है इसका। इससे पहले जो मैं आप लोगों के लिए 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताता हूँ उसका जो है एक एक एक्सप्लेनेशन और जो कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो उसका भी अपडेट मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लेकर के आता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हर एक एक्सपीरियंस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है, क्योंकि कौन सा एक्सपीरियंस आप लोगों को क्या दे करके जाता है ये आप लोगों को देखने से ही पता चलेगा। हर एक एक्सपीरियंस हर एक बंदे का अलग अलग होता है और हर बंदा एक नई चीज़ बता करके ही आप लोगों को जाता है। तो आज है 19 अगस्त, तो आज का एक्सपीरियंस वीडियो सुनिएगा। ये भाई जो है अपना 18 अगस्त का है, क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं लेट हो जाते हैं और घर पहुंचते हैं, तो इतना बहुत कम ही बच्चे हो जाते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर से हमें सीधा दे पाते हैं। यदि आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आप सभी से निवेदन है, जिस दिन आपका टेट टेस्ट हो आप मुझे सीधा एग्ज़ाम सेंटर से ही कॉल करना, जैसे जो है आपका वीडियो सबसे पहले बच्चों को उपलब्ध हो सके। 19 अगस्त है आज, लेकिन हमारे जो कल के बच्चे हैं उन लोगों ने आज हमें बताया है, तो स्वीपर का उनका ट्रेड टेस्ट था, उनके बारे में पूरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका भी जो है ट्रेड टेस्ट है तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। साथ ही साथ नीचे जो हमारा चैनल दिया गया है आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे से जो कोई भी वीडियो होगा उसी पर अपडेट होगा। ये हमारा जो है एकेडमिक चैनल है, इस पर हम स्टडी करवाते हैं, तो आप लोगों को यदि पढ़ना भी है तो आप लोग हमारे इस चैनल से भी जुड़ी रहिएगा। जितने भी जो है एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी हम इस चैनल पर जो है करवाते हैं। और लेकिन आरपीएफ का जो कोई भी बंदे हैं और अंत तक अपनी पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप लोगों को आरपीएफ ट्रेड टेस्ट को सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि 1 तारीख से इस पर जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को नीचे दिए गए सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इन भाई का एक्सपीरियंस कुछ अजीब है, बहुत ही अच्छा है, इनको भी पूरा अंत तक आपको सुनना है। सर नमस्कार, सर मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर जी नमस्कार। सर सर आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, क्लियर हो गया? जी मेरा कंप्लीट हो गया 18 तारीख को, 18 अगस्त को था मेरा, देवस्थी दिल्ली में कंप्लीट हो गया मेरा। सर आप जो है अपना अनुभव अपने भाइयों को शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई चिंता नहीं। सर आपने जो है पहले से मेरी एक्सपीरियंस वीडियो देखी थी क्या? जी बिल्कुल देखी थी मैंने सर, वो हेल्प मुझे थोड़ा बहुत हेल्प मिला उससे। हाँ सर, उससे मुझे। हाँ सर, तो सर हाँ बोलिए सर, आप जो है अपना अनुभव एक एक छोटी से छोटी बात से किस प्रकार से कहाँ था आपका, एक एक बात क्लियर कीजिए जिससे आपके भाई लोग उसको मतलब जो है आसानी से वहाँ पर पहुँच सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझसे पूछिएगा मैं बताता हूँ शुरुआत से। शुरुआत से बताते रहिएगा सर। जी बिल्कुल। मेरा नाम दीपक है, मेरा फिजिकल 18 अगस्त को दिल्ली देवस्थी में था। हाँ सर, मैं इंदौर से रहने वाला हूँ, मैं इंदौर से दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने 10 रुपया बस को दी, मेट्रो पकड़ लो वहां से, सीधी बात, मेट्रो 20 रुपया टिकट लगता है। कहाँ से सर? नई दिल्ली से। नई दिल्ली में मतलब मेट्रो कहाँ मिलेगी, मतलब कितना दूर स्टेशन से? स्टेशन पे ही, स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, जस्ट पास में ही। हाँ। बाहर निकलोगे वहाँ मेट्रो पकड़ो, मेट्रो में दिल्ली सरई रोहिल्ला स्टेशन है मेट्रो का, वहाँ उतरो, वहाँ उतरने के बाद में 500 मीटर होगा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे अपना रहेगा, वहाँ हम 5:30 बजे पहुंच गए थे, बारिश गिर रही थी बहुत तेज, उन्होंने हमें 5:30 बजे की बजाय 8:30 बजे से एंट्री स्टार्ट करी। उसके बाद में फिर हमें 20-20 का ग्रुप बनाया उन्होंने। कितने का? 20-20 लोगों का? 20-20 लोगों का जी। 20 लोगों को वो ले गए बायोमेट्रिक के लिए, 20-20 का बायोमेट्रिक हुआ, बैठा के रखा उन्होंने पहले बहुत देर तक, फिर बायोमेट्रिक हुआ। सर बायोमेट्रिक में क्या क्या करवा रहे थे? सर बायोमेट्रिक में आधार कार्ड था और आपका एडमिट कार्ड, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, वो भी चेक कर रहे थे बस आधार कार्ड आपके, हाँ आपका एडमिट कार्ड पे सब कुछ मेंशन है, उसको ही वो मेजर कर रहे थे। उसको करने के बाद में फिर बैठा दिया जा रहा था, फिर वो 20 लोगों का 5-5 लोगों का ग्रुप बन रहा था, 20 लोग में से 4 ग्रुप, 20 लोग जो 20-20 लोगों का जो ग्रुप बनाया था उनमें से फिर 5-5 के 4 ग्रुप बनाए। जी जी बिल्कुल, फिर उनमें 5-5 लोगों को टेस्ट टेस्ट के लिए ले जा रहे थे। हाँ सर, मुझसे जो करवाया, मेरे ग्रुप से जो करवाया वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं हम लोग 5 लोग को ले गए थे। हाँ सर, वहाँ हाथ धोने का बेसिन होता है। हाँ सर, मतलब आपका किस स्टेट से था? सर स्वीपर था मेरा, कल स्वीपर का था। जी बिल्कुल। हाँ सर बताइए सर। वहाँ पे बेसिन लगे हुए थे, 2 बेसिन थे, एक पे हार्पिक डाला हुआ था, एक क्लीन था। हाँ। लड़के क्या कर रहे थे, जो मेरे पीछे 3 लड़के थे, मेरे आगे 3 लड़के थे, वो तीनों लड़कों ने जो अधिकारियों ने पूछा इस वहाँ पे, एक्चुअली में जो ट्रेडर्स ले रहे हैं ना वो आईपीएस अधिकारी के रैंक लेके ले रहे हैं। क्या? 2 स्टार आईपीएस अधिकारी के रैंक के ले रहे हैं वो लोग। हाँ। मतलब अधिकारी है वो। हाँ। चेयरमैन है, कमेटी है वो, कमेटी वही एक तरीके से बोल सकते हैं। हाँ।
उन्होंने दो पेशेंट रख रखे थे, एक पे हारपिक डला हुआ था, एक पे हारपिक नहीं डला हुआ था, साफ था बिल्कुल। अब वो लड़कों से एक साबुन टाइप का था, वो मेरे को नाम नहीं पता, वो नाम पूछा पहले उनने मुझसे, मुझसे ना मुझे नाम नहीं पता। उन्होंने बोला ठीक है साफ करो इनको। तो मैंने बोला, बोले इनमें से कौन गंदा है? तो मतलब सर ये गंदा है। बोले क्यों गंदा है? मतलब सर इसके ऊपर हारपिक डला हुआ। तो मुझसे अधिकारी बोलते, बोले नहीं हमें तो ये गंदा दिख रहा है। मतलब सर ये गंदा नहीं, ये तो पूरा साफ, इस पर हारपिक डला हुआ। बोले ठीक है इसे साफ करो। अब वहां पे बेसिन साफ करने का ब्रश नहीं था, तो मैं बाथरूम जो साफ करते अपना ब्रश, छोटा ब्रश जो आता है उससे करने लगा। तो उन्होंने बोले ठीक है ठीक है रहने दो। बस फिर हमें बाहर कर दिया। हमारे ग्रुप में 20 में से हम तीन लड़के थे, मेरे को मिला के तीन, दो और थे। हम तीन लड़कों का सिलेक्ट किया और सर आपके 5 लोग हैं ग्रुप में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। जी बिल्कुल। और जो मेरे मेरे पहले का ग्रुप था 11 नंबर का, हाँ। उसमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट किया था, 19 को फेल कर दिया था। और जो आखिरी के ग्रुप था ना 22 23, एक्चुअली हाँ। वो पूरे दिन 23 ग्रुप का हुआ था। कितने? 23 ग्रुप 23 23 23 तेईस दुना 246, 260 लड़कों का टेस्ट हुआ था। 460 लड़कों का हुआ था। हाँ 460 में से उन्होंने 51 को सिलेक्ट किया। और सर आप ही के ग्रुप से कितने हुए? तीन तीन लड़के। और जो मेरे पहले का ग्रुप था 11 नंबर का, उसमें से एक लड़का सिलेक्ट हुआ, 19 फेल हो गए। ऐसा? जी बिल्कुल। सर वहाँ पे घबराना नहीं है, बस जवाब देना उनको, अधिकारी होंगे वो, क्या लड़के घबरा जाते हैं वहाँ, तो वो इस वजह से। हाँ उसमें घबराना नहीं है, बस जवाब देना है। सर आपसे क्या क्या पूछा गया था और बताइए सर, क्या क्या पूछा गया था? मुझसे ट्रेड टेस्ट में बस इतना ही पूछा गया था, फिर हमें बैठा के रखा शाम तक 4 बजे तक। सर आप अपने संघ वालों का आपने क्या क्या देखा, वो कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? जी बोलिए सर। मतलब संघ वालों से क्या क्या पूछा गया था वो बताओ थोड़ा सा। सर मैं बोलता रहा हूँ, मेरे ग्रुप से जितने भी लोग थे ना, वो साबुन था, साबुन टाइप का था, वो साफ करने का बेसिन, उसका नाम पूछा, लड़कों को पता ही नहीं था नाम। सर आप बता सकते हो उसका नाम क्या था वैसे? सर मेरे को भी समझ नहीं आया था उसका नाम क्या था। मुझे वहाँ तीन चीज रख रख रखी हुई दिख रही थी, एक हारपिक था, एक एसिड एसिड था, और एक साबुन था। बस ये तीन चीज थी। बस मुझसे ये करवाया, इतना इतना हुआ। फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 बजे से स्टार्ट हुआ। मतलब उस दिन बस, मतलब मोस्ट ऑफ यही कह सकते हैं कि यही चीजें पूछी, इतने में सिलेक्शन कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस ये नॉर्मली है, नॉर्मली इतना वो, इतना वो नहीं है, इतना टफ नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मुझसे पहले ग्रुप वालों ने क्या किया मुझे नहीं पता, मेरे बाद वालों ने क्या किया मुझे नहीं पता। ये भी सही है सर आपका। जी बिल्कुल। मतलब एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि लक का भी खेल है, जिसका लक जैसा हो। जी बिल्कुल, एक तरीके से लक कह सकते हैं। मुझे तो अपना लग ही नहीं रहा था कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, लेकिन भगवान की दुआ से उन्होंने मेरा नाम काम बन गया, मतलब कर लिया। जी बिल्कुल ऐसा। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 4 बजे बाद। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ बताइए सर। सर मेरा तो कुछ नहीं था सर, मैं तो सारे अपने डॉक्यूमेंट ले गया था। उन्होंने मुझसे सिर्फ 10th की मार्कशीट, मेरा जाति प्रमाण पत्र, सेंट्रल का भी नहीं मांगा मुझसे तो। कौन सी जाति सर? आप कैटेगरी कौन सी थी? सर SC अनुसूचित जाति। हाँ तो आपके सेंट्रल का नहीं लगता ना? हाँ जी सेंट्रल का आपका बनता नहीं होगा? मेरा बना हुआ है, मैं बनवा लिया था, लेकिन मुझसे उन्होंने मांगा नहीं। हाँ मैं स्टेट का दिखाया। हाँ। और मेरी बीकॉम की मार्कशीट लास्ट सेम की, ग्रेजुएशन की। हाँ। सिर्फ ये तीन चीज दिखाने का बोला मुझे उन्होंने। उन्होंने ये बोला था तुम तुम्हारी हायर एजुकेशन बता दो कौन सी है। हाँ। तो मतलब सर मेरी बीकॉम किया हूँ मैं। हाँ। तो बोले ठीक है तुम्हारी बीकॉम फाइनल की मार्कशीट दे दो, 10th की मार्कशीट दे दो, और तुम्हारा जाति दे दो। बस ये तीनों की फोटो कॉपी रखी, और ये तीनों की वेरिफिकेशन किया, ना आधार कार्ड लगा, ना 12वीं लगी, ना कुछ कुछ भी नहीं। स्थायी निवासी भी नहीं लग रहा है अब, मैं तो ये बोल रहा हूँ। क्या सर? स्थायी निवासी, स्थायी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है। हाँ वो भी नहीं लग रहा है सर। वो ऐसा तो नहीं सिर्फ आपसे नहीं लिया हो क्या, और सभी किसी भी लोग किसी भी बच्चे से? सभी से नहीं लिया। और अगर किसी के पास में जाति नहीं भी है ना। हाँ। तो वो उनको टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली में सर हमारे 51 लड़के जो टेट टेस्ट में पास हुए थे ना। हाँ। वो 51 के 51 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हुए। वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक कोई फेल नहीं करते। तीन लड़के थे जिनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, ओबीसी के। हाँ। उनको टाइम दिया 4 दिन का, 5 दिन का, 23 तारीख को सबमिट करने का बोला है उनको। तो वो कर लेंगे इतने दिन में, इतने टाइम में तो आराम से। अब ये उनकी प्रॉब्लम है सर, करेंगे या नहीं करेंगे, बाहर के रहने वाले लड़के वो। फिर भी लेकिन इतने टाइम में तो आसानी से हो जाएगा। और एक वहाँ पे एक हमको वाशरमैन था कॉन्स्टेबल। हाँ। वो मिला था। हम जब ट्रेनिंग सेंटर से निकले ना 8 बजे रात को 8 बजे। तो वो सर का खाना लेने जा रहा था अधिकारियों का, तो हम मेरे से बात करी उनने। हाँ। उनने मुझे बोला लड़के जो भी ट्रेड टेस्ट में पास हुए हैं वो लड़कों को डॉक्यूमेंट में फेल ही नहीं करते हैं वो कभी। फेल करेंगे नहीं, बाहर नहीं करेंगे वो।
अब कोई बाहर होने का चांस नहीं है, अब अच्छा, बस मेरिट में नाम आए तो सिलेक्ट हो जाओगे तो मतलब बस। मेरिट का इंतजार हो रहा है अब तो, जी बिल्कुल सर, मेरिट का वेट करना है। हाँ सर मेरिट का वेट करना है, मेरिट में हो गया तो क्लियर है। क्लियर हो गया सर बस, और कुछ भी नहीं ऐसा बोला उनने, इतना कोई घबराने वाली बात भी नहीं है सर। मैं लड़कों को यही बोलूंगा कि भाई अपना 100% दो, और वहाँ बिल्कुल भी ना घबराए, शांत मन रखे, अपना दिमाग स्टेबल रखे, अपना डॉक्यूमेंट संभाल के रखे, एक दिन पहले पहुंच जाए। एक दिन पहले रुकने की क्या व्यवस्था है सर? सर रुकने दो, हम तो सरही रोहिल्ला स्टेशन था, रेलवे स्टेशन वहीं रुके थे, वहां तो बहुत लूट मारे दिल्ली में। हाँ मतलब रुकने का मतलब यदि कहीं लॉज वगैरह लेते हैं तो महंगा है मतलब। हाँ वो अपने ऊपर, वो अपनी फिर सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो ले लो। हाँ ये भी सही है सर आपका। ऐसा कितने के अब तक मैं, मतलब अब हम तो स्टेशन पे सोए थे सर, बहुत सारे लड़के थे। हाँ और सर आप अपने भाइयों से कुछ ऐसा कहना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है इसको बहुत लोग सुनने वाले हैं। मैं बस भाई लोगों को अपने यही कहूंगा, भाई घबरा नहीं, बिल्कुल शांति से अपना टेस्ट दे, घबरा R2 बिल्कुल भी ना पड़े, मैं तो बोलूंगा ये फोकट की चीज है ये R1 R2, कुछ ना पूछे, उनके पास में इतना टाइम थोड़ी है कि तुमसे R1 पूछेंगे, R1 क्या काम आता है, R2 क्या काम आता है, R3 क्या काम आता है, कुछ टाइम नहीं। एक लड़के को 1 मिनट, मुश्किल से 40 सेकंड लड़के एक लड़के को देंगे वो बस, मतलब वो इतने चालीस में सर उसको नॉर्मल जज कर सकते हैं, मतलब क्या कर पाता है क्या नहीं। बस बस बस। अगर वो लड़का झूठ बोल देगा ना कि सर मैंने पहले काम किया है, हाँ तो उसको फिर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, उसको ज्यादा फोकस करेंगे फिर, और जो बोल देगा सर मैं नहीं किया हूँ, उसको बाहर भी नहीं करेंगे हाँ ऐसा, तो अपना झूठ ना बोले वहाँ, पहली बात तो ये अधिकारी रैंक है, वो IPS अधिकारी है, वो उनके सामने झूठ ना बोले, मैं लड़कों से यही बोलूंगा जो भी है भाई सच बोलो। हाँ उनके सामने झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ क्योंकि वो सर 2 स्टार 3 स्टार है नहीं, हाँ वो IPS अधिकारी है, तो बस झूठ ना बोले उनके आगे, अपने अधिकारी हैं तो सच बोले, मैं यही बोलूंगा लड़कों से अपना 100% दो भाई, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में, सिलेक्ट होके आओ। और सर कुछ ऐसा मोटिवेटर रूप में और कुछ बोलिएगा, क्योंकि मैं तो इसको जो है शेयर करने से आपको पता है अपडेट्स को मैंने तैयार किया है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप कुछ और मोटिवेट करना चाहो, कुछ कहना चाहो तो बोलो। बस सर यही बोलूंगा, आप तो सब अपना अपना भाई लोगों की, मेरी शुभकामना भाई लोगों के साथ में, अपना 100% तो भाई लोग, गुड लक। और सर एक बात, और सर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास सर, वो मतलब टेस्ट कराते समय सर शूज वगैरह का क्या? शूज तो पहने, शूज चप्पल में आए थे लड़के वहां, जरूरी नहीं है शूज पहनो, चप्पल में आए थे लड़के वहां, अरे नंगे पैर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़के चप्पल में आए थे, चड्डे में आए थे, जींस में आए थे, मतलब ड्रेसअप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं सर, ड्रेसअप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और सर मतलब नहीं जैसे नहीं कुछ भी नहीं सर, वाटर कैरियर वालों में था, वाटर कैरियर वालों में क्या था कि यदि आपने जो नहीं, है, वाटर कैरियर वालों को नहीं था भाई, हमारे पास हमारे साथ में कोई नहीं था, वाटर कैरियर को भगा दे रहे थे। हाँ नहीं मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे वाटर कैरियर वालों का क्या था कि मतलब जो बाल बाल कटवा के जाना है तो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, एक लड़का बिल्कुल बाहर में कटिंग कटवा के गया था, बाहर कर दिया उसे, अरे क्या? लड़के कुछ नहीं, कोई आपका ड्रेसअप नहीं देखेंगे वहाँ, आप हाँ मॉडलिंग थोड़ी करना है वहाँ, तो आपको काम करके दिखाना, आपको आता है तो बताओ, नहीं आता दूर हटो, ऐसा ऐसा बिल्कुल कोई ड्रेसअप चेक नहीं होगा, वो ही ना बोला तो एक लड़के को 40 सेकंड देंगे वो बस, मुश्किल से 40 सेकंड, बता तो रहा हूँ मैं, उतने में सर ड्रेसअप ड्रेसअप का कोई ध्यान नहीं जाता। सर कुछ नहीं सर, कहाँ जाएगा इतना इतना टाइम का, उन लोगों के पास अधिकारी है, वो SP रैंक के, कोई 3 स्टार 2 स्टार 3 स्टार नहीं है वो, ऐसा IPS तो होगा बस। मतलब। जी जी सर, ये मैं बोलूँ भाई लोगों को अपना 100% दो, शुभकामनाएं मेरी तुम्हारे साथ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कुछ और एक्स्ट्रा देखा हो और कुछ कहना चाहो तो बोल दीजिए। बस सर अब क्या कहे, बस गुड लक भाई लोग, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सर, आपका जो थैंक यू सिलेक्शन हो गया है सर, थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू, और आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने की वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, तो सर आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो जितने जी भी आया बिल्कुल करें उनको शेयर कीजिएगा, थोड़ा मेरे जी को भी बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, और आपका हो गया है, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जब तक कि आपकी जी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती हर एक अपडेट में आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ओके बहुत सर धन्यवाद। ओके।